हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों पे एक एक पार्ट मैंने बनाया था और तीनों के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया था। अब आज हम लोग जो नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स में, वो है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वही टॉपिक जो मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स में भी सिखाया था। बस ये डिबेंचर का सेम वही एंट्री है, बट जहाँ पर शेयर होता था वहाँ पर डिबेंचर आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने सीखा होगा उनको ऑलरेडी आता होगा। तो अब देखो इसमें बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 99% उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का इसमें से बनने वाला है। तो ध्यान से समझना, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अब देखो, परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब क्या होता है? परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब ये होता है कि भाई कंपनी किसी से कोई एसेट खरीद रही है, समझ रहे हो? एसेट खरीद रही है। जब एसेट खरीद रही है, मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी कंपनी खरीद रही है, तो बदले में उसको कैश नहीं दे रही है, पैसा ना दे के डिबेंचर्स इशू कर रही है उसको। ठीक है, पिछले लास्ट में हम लोगों ने शेयर इशू कर रही थी, यहाँ पर क्या इशू कर रही है? डिबेंचर इशू कर रही है। तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी, इसकी याद रखना, जब किसी से आप कभी भी कोई भी एसेट खरीदोगे तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वेंडर अकाउंट। क्या होगी बेटा? टू वेंडर अकाउंट। किससे खरीद रहे हो? वेंडर से खरीद रहे हो, तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा भाई आपने एसेट खरीदा वेंडर से। ठीक है, तो लिख लेना परचेज एसेट फ्रॉम वेंडर नरेशन में। अब जब वेंडर से खरीद लिया आपने एसेट, उसको आप क्या करोगे भाई? डिबेंचर्स इशू करोगे। तब एंट्री क्या होगी? तब एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपको दिया रहेगा 10% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, तो वो आप लिख देना। मान लो 7% है, टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ये सिंपल सी आपको एंट्री करनी है। ये एंट्री होगी बेटा आपकी एट पार पे। कब होगी? एट पार पे। ठीक है, अगर यही एट प्रीमियम पे होगा तब क्या होगा? पहली वाली एंट्री सेम होगी, फर्स्ट वाली एंट्री क्या होगी यहाँ पर? सेम होगी। बस इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वही सेम रहेगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और प्रीमियम पे हो रहा है, यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कुछ समझ में आ रही है बात की? नहीं आ रही है। ठीक है, और लास्ट अगर डिस्काउंट पे होता है तो तब क्या करोगे? वेंडर को आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो लेकिन डिस्काउंट पे, तब क्या एंट्री होगी? पहली वाली एंट्री यहाँ पे वही सेम होगी, बट यहाँ सेकेंड एंट्री में क्या चेंज होगा? फिर वही काम करोगे आप, लिखोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिखोगे बीच में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ये नॉर्मल आप एंट्री करोगे कब? डिस्काउंट केस में। देखो वेंडर्स टू 7% डिबेंचर था, इसमें भी वेंडर टू डिबेंचर है, बस लास्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो गया। डिस्काउंट पे हो तो वेंडर्स टू डिबेंचर्स अभी भी है, बस बीच में डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कंपनी के लिए फायदा होता है। डिस्काउंट डेबिट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि लॉस होता है, जितने भी लॉस होते हैं डेबिट में लिखे जाते हैं, जितने भी फायदे होते हैं क्रेडिट में लिखे जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो ये आपका हो गया परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश में। अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, समझ में आई बात? जब कोई एसेट खरीदते हो तो ये एंट्री होती है। ठीक है, अब देखो अगर अब एसेट की जगह आपने किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया तब क्या एंट्री होगी? तो ये स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, डस्टर कहाँ चला गया? ठीक है, तो देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये कब था? ये पहला केस है जब आप खाली एसेट खरीदते हो। दूसरी कंडीशन बेटा यहाँ पर ये बनती है कि आपने एसेट के जगह पूरा का पूरा आपने खरीद लिया, बिजनेस ही खरीद लिया। ठीक है, तो पूरा बिजनेस खरीदोगे तो कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा,
मान लो जितनी भी एसेट है आप डेबिट पे लिखोगे, ये चीज़ याद रखना हमेशा, क्या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ये आप हमेशा याद रखना, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ये होती है एंट्री। तो एसेट डेबिट में लाइबिलिटी क्रेडिट में, तो आपको कुछ एसेट दी रहेगी कुछ लाइबिलिटी दी रहेगी। जैसे मान लो फर्नीचर एसेट है तो हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया, फिर मान लो आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है होता है, मतलब बिल्डिंग आपका एसेट होता है तो उसको भी डेबिट कर दिया। जितनी भी एसेट दी रहेगी सबको डेबिट कर देना, ठीक है। डेटर्स कौन होता है आपके लिए, एसेट होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया। मान लो तीन चीज़ें दी थी हमने, लिख लिया यहाँ पे 50,000 था, यहाँ पे 2,00,000 था और यहाँ पे 50,000 था, ये मैंने लिख लिया। अब आपको क्रेडिट साइड में भी कुछ दिया रहेगा, मान लो दिया है बैंक लोन दे रखा है तो बैंक लोन अकाउंट, और साथ ही साथ आपको दिया रहेगा तो बैंक लोन अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर 1,00,000 दे रखा है और यहाँ पर भी आपको 1,00,000 दे रखा है, ठीक है। अब ये बताओ ज़्यादा किधर है, एसेट साइड में कि लाइबिलिटी साइड में? सर डेबिट साइड में ज़्यादा है एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में कम है क्रेडिट साइड में, तो भाई इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए आप लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, जितना कम है, कितना कम है भाई 1,00,000 रुपये कम है, 1,00,000 रुपये लिख दो। और अगर मान लो ऐसा कभी हो कि इधर ज़्यादा हो इधर कम हो तो बैलेंसिंग फिगर में क्या लिख दोगे, तब बैलेंसिंग फिगर में लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर, समझे, जितना भी कम होगा तब। अगर ऐसा कभी हो कि क्रेडिट साइड में ज़्यादा हो जाए डेबिट साइड में कम हो जाए तब गुडविल अकाउंट से डेबिट कर दोगे बैलेंसिंग फिगर में। क्लियर हुई ये बात यहाँ तक कि नहीं क्लियर हुई? हाँ क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, तो ये एंट्री कब होती है, ये एंट्री तब होती है जब पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लोगे। अब इसमें देखो आपको दिया रहेगा आपने कुछ एसेट खरीदी कुछ लाइबिलिटी खरीदी, तो इस तरह से रहेगा। मान लो ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। अब आप कुछ आपने कुछ एसेट खरीदी होगी कुछ लाइबिलिटी, जब कभी भी मान लो ये एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल और ये दूसरा पर्सन है जिसका नाम है अंजलि, राहुल और अंजलि, ठीक है। तो राहुल ने अंजलि का पूरा बिजनेस खरीद लिया, जिस दिन बिजनेस खरीदा तो उस दिन कुछ एसेट्स आई होगी, हाँ कि ना भाई? बिजनेस में एसेट रही होगी, फर्नीचर बिल्डिंग मशीन ये सब होगा, और कुछ ना कुछ अंजलि की लाइबिलिटी भी रही होगी, तो उसी में डील हुई होगी, हाँ कि ना? लिखा होगा ना कि भाई अंजलि से खरीद रहा है तो राहुल खरीद रहा है, तो इसमें वेंडर कौन है पहले ये मुझे बताओ, वेंडर कौन है? अंजलि वेंडर है, ठीक है। तो वेंडर के क्या लिखोगे? अंजलि। तो आपने खरीदा तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आप एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट करोगे और क्या लिखोगे नॉर्मली? टू लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। तो अब आपने एसेट खरीदी 1,00,000 रुपए की, जब यहाँ पर राहुल ने अंजलि से किसी अंजलि का बिजनेस खरीदा तो उसकी एसेट 1,00,000 रुपए की थी, ठीक है। अगर एसेट दिया तो एसेट लिख दो, फर्नीचर बिल्डिंग जो भी दिया हो तो नाम करके लिख देना, नहीं दिया तो खाली एसेट अकाउंट डेबिट कर दियो। तो बिजनेस खरीदते वक्त 1,00,000 रुपए का था और लाइबिलिटी कितने की थी भाई? लाइबिलिटी थी 20,000 रुपए की, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, बस बोला है कि राहुल ने अंजलि से खरीद लिया और बिजनेस खरीदते वक्त एसेट 1,00,000 की है, लाइबिलिटी 20,000 की है, तो अंजलि से डील कितने में हुई बताओ? कुछ लिखा नहीं है, अगर लिखा होता तो बात अलग रहती, कुछ लिखा नहीं है। तो आप क्या करोगे? लिखोगे यहाँ पर टू वेंडर अकाउंट, वेंडर है कौन यहाँ पर? अंजलि। तो इसका बैलेंसिंग क्या होगा? 1,00,000 में 20,000 माइनस करो कितना आ जाएगा बेटा? 80,000, समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा, वेंडर कौन है? अंजलि। कितने में डील हुई? अंजलि से 80,000 में। अगली एंट्री क्या पास करोगे? जैसे लिखते थे अभी वेंडर अकाउंट डेबिट, यहाँ पर क्या लिखोगे? अंजलि अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपने उसको क्या किया, कैश की जगह पे डिवेंचर इशू करे तो आप लिखोगे 7% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितना था? 80,000, 80,000, ठीक है भाई, 80,000 की बात हुई थी ना ये। अगर मान लो पार पे प्रीमियम पे होता तो यहाँ पे 80,000 लिखते, 27% डिवेंचर, यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते। क्वेश्चंस कराऊंगा, काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ये समझ में आया? तो आप एसेट अकाउंट डेबिट करोगे, लाइबिलिटी करोगे, जो बैलेंसिंग होगा वो आप दे दोगे किसको? वेंडर को, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है मान लो कि जिसमें ये लिखा रहा है कि राहुल ने अंजलि का बिजनेस खरीद लिया, राहुल ने अंजलि का बिजनेस खरीद लिया और बिजनेस खरीदा तो 2,00,000 की एसेट थी, एसेट कितने की थी भाई? 2,00,000 रुपीस की, और लाइबिलिटी खरीदते वक्त थी 50,000 की,
कितने की? 50,000 की, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस खरीदा तो जो एसेट्स है 2,00,000 की, लाइबिलिटी है 50,000 की, लेकिन डील हुई है 130,000 में। एग्री वैल्यू कितनी है? 130,000। समझना बात को। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो नॉर्मल तुम क्या करोगे, लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट है बेटा? 2,00,000 रुपीज़ की। लाइबिलिटी कितने की बेटा? 50,000 की, ठीक है। और बात कितने में हुई, डील कितने में हुई? एग्री वैल्यू 130,000। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, वेंडर का नाम क्या है? अंजलि, टू अंजलि, 130,000। अब ये बताओ ज़्यादा किधर है? अभी बैलेंसिंग रहता, उसमें तो बैलेंस था, उसमें तो दिया ही नहीं था, कितने में बात हुई है, तो आप निकाल इसमें से माइनस करके लिख देते थे। बट इसमें बोल रहा है कि एसेट 2,00,000 की है, लिख दिया। लाइबिलिटी 50,000 की बिजनेस खरीदते वक्त, और जो डील हुई है वो हुई है 130,000 में। समझ में आ रही बात? तो सर बैलेंस तो हो नहीं रहा, डेबिट एसेट साइड में डेबिट है और लाइबिलिटी साइड में इतना है, तो क्या करें सर? तो बैलेंस कैसे होगा बेटा? इसको बैलेंस करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा किधर है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? सर डेबिट साइड में ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में 20,000 कम है, 1,30,000 और 50 जोड़ो 180। तो बैलेंसिंग के लिए लिखोगे 2, भाई क्रेडिट साइड में कम है तो क्या लिखते हैं? 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर कितना? 20,000। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चन मैं एक कराता हूँ, एक दो ठो अभी, और 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो इसे इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से ध्यान देना, टफ कर दो इसको। चलो अब देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो बेटा देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक है, तो लिखा है द प्रॉमिसिंग कंपनी लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 3,50,000। एक प्रॉमिसिंग कंपनी है जो कि एसेट खरीद रही है कितने की? 3,50,000 की। टुक ओवर एसेट 3,50,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ 30,000 ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब ये पूरा बिजनेस खरीदने वाली बात हो रही है। तो जब खरीदते वक्त एसेट कितने की है भाई? एसेट है 3,50,000 की, 3,50,000 की, जी सर। और लाइबिलिटी कितने की बेटा? लाइबिलिटी है 30,000 की, 30,000, हाँ 30,000 की, ठीक है। किसने खरीदा बेटा? प्रॉमिसिंग कंपनी खरीदा है, द लाइबिलिटी ऑफ टुक ओवर एसेट किससे खरीदा? एक्स लिमिटेड से। वेंडर कौन है यहाँ पर? वेंडर का नाम है एक्स लिमिटेड। क्या नाम है भाई साहब? एक्स लिमिटेड, ठीक है। किससे खरीदा? प्रॉमिसिंग कंपनी ने वेंडर से खरीदा, वेंडर है कौन? एक्स लिमिटेड। तो वेंडर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? एक्स लिमिटेड लिखोगे, ठीक है। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,30,000, परचेज कंसिडरेशन कितना है भाई? 3,30,000। मतलब जब बिजनेस खरीदा तो एसेट 3,50,000 की है, लाइबिलिटी उसमें 30,000 की है, वेंडर से वही तो वेंडर का नाम है, बिजनेस खरीदते हो, एसेट 3,50,000 की, लाइबिलिटी 30,000 की, और परचेज कंसिडरेशन डील किसमें हुई? इसका मतलब होता है डील, मतलब कितने में बात हुई है, एसेट इतनी थी, लाइबिलिटी इतनी थी, लेकिन जो डील हुई है, डन हुई है, वो 3,30,000 में हुई है खरीदने की, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी अभी बताता हूँ मैं, पहले और समझोगे। द प्रॉमिसिंग कंपनी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इश्यूइंग 12% डिबेंचर्स और रुपीज 100 ईच एट 10% प्रीमियम। रुपीज 100 ईच, समझ रहे हो? 10% डिबेंचर्स, मतलब 10% डिबेंचर रुपीज 100 ईच, 100 रुपए वाला क्या हुआ है? 10% प्रीमियम पे इशू हुआ है, एट 10% प्रीमियम। ये कौन सी एंट्री होगी यहाँ पर बेटा? प्रीमियम की। यहाँ तो समझ में आई बात, अब क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल सब बात है, करोगे क्या? एसेट्स अकाउंट को डेबिट करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है, ये तुमने कर दिया। अब ये बताओ एसेट है कितने की? 3,50,000, जी सर। लाइबिलिटी कितने की भाई साहब? 30,000, 30,000 लिख दिया। और डील कितने में हुई है? 3,30,000 में। किससे हुई है? वेंडर से। वेंडर कौन है? एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर लिखो 2X लिमिटेड 3,30,000। अब ये बताओ मुझे ज़्यादा किधर है, ज़्यादा वाला अमाउंट किधर है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? सर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, 10,000 कम है ना डेबिट साइड में। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट, क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर कितना कम है भाई? 10,000। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से करना है आपको। अगर हाँ
ये खाली एसेट लाइबिलिटी दिया हुआ है तो वेंडर भी क्या करोगे इसमें इसको माइनस करके यहाँ लिख दिया करो, लेकिन अगर दिया है कंसीडरेशन वैल्यू दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर बैलेंसिंग अगर ज़्यादा डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व लिख दो, अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है डेबिट साइड में कम है तो गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर लिख दो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद नॉर्मल सी बात है, वेंडर को पैसा कितना देना है 3,30,000, तो लिखो वेंडर अकाउंट डेबिट यानी कि एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम लोग, डिवेंचर दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% है ना भाई, हाँ 12% है यार, यहाँ पे 12% है क्वेश्चन में, ठीक है, सॉरी 12% डिवेंचर्स अकाउंट, और किस पे दे रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम पे, तो लिख दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये बताओ कितना था एक्स लिमिटेड का पैसा, 3,30,000, ठीक है इतना देना था। एक डिबेंचर है कितने का, 100 रुपये का, और प्रीमियम पे है 10%। अब ये बताओ डिबेंचर्स में कितना लिखे, सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखे कितना, ये दिक्कत आ जाती है, इसको ध्यान से समझना। अब इसको निकालने तरीका बेटा ये होता है, पहले निकाल लो कितने डिबेंचर इशू हुए, यहाँ पर डिबेंचर कहीं नहीं लिखा, खाली बोला इतना पैसा दे रहो और 100 रुपये के हिसाब से दे रहो, 10% के प्रीमियम पे दे रहो, लेकिन कितने डिबेंचर है ये पता नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो जो अमाउंट हो वेंडर को पे करना है वो लिखो, नीचे लिखो कितने का है एक डिबेंचर, 100 रुपये का था बट 10% प्रीमियम है, 100 का 10% कितना होता है 10 रुपये, यानी कि टोटल कितना हुआ 110, यानी कि 110 भाई, 100 रुपये का था, 100 का 10% कितना हुआ 10, और 100 + 10 कितना हो गया 110, तो डिवाइड कितने से करोगे 110 से, 0 0 कैंसिल, 11 से कटा 3 बार में 1 2 3, तो कितने डिबेंचर है भाई साहब 3,000 डिबेंचर, समझ में आई बात, कितने डिबेंचर है 3,000। तो आप करोगे क्या यहाँ पे, ध्यान समझना, डिबेंचर्स वाले में लिखोगे 3,000 का मल्टीप्लाई करो जितना डिबेंचर निकाले हो, वहाँ पर क्या लिखोगे डिबेंचर था कितने का हमारा 100 रुपये का, और कितना एक्स्ट्रा लिया है 10 रुपये प्रीमियम का, तो प्रीमियम पे प्रीमियम वाला, तो 3,000 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा 3,00,000, और 3,000 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा 30,000, तो दोनों को जोड़ो 3,30,000, इधर कितना है 3,30,000, समझ में आई बात, क्लियर हुआ, दिमाग में गई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी और रिडेम्पशन और आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो मुश्किल से 2 दिन में चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, टेंशन मत लेना, बस अच्छे से पढ़ते रहो, कोई डाउट रह जाए तो इस चैप्टर इस बुक का आपका रेशियो कैश फ्लो छोड़ के सब कंप्लीट करवा दूंगा मैं 15 नवंबर तक, क्योंकि आगे चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं नहीं, देख के डर लगता है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।